Hello student, in this video tutorial, we are going to discuss some NEET PYQ. First question is, cell in G0 phase is, यानी कि cell division में G0 जो phase होता है, उसके अंदर क्या होता है? पहला option है आपका, termination the cell cycle, second option, exit the cell cycles, and third, enter the cell cycles, and suspend the cell cycle, fourth option. NEET तो 2019 का question है, इसका जो एक्चुअल में जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नीचे उसका एक्सप्लेनेशन लिखा गया है, आप ये देख लेना. तो ऑप्शन जो ये है करेक्ट ऑप्शन है इसका, क्योंकि G0 फेज में, यहाँ ये G0 फेज है, G1 से पहले जो आता है वो G0 फेज होता है, और इस G0 फेज में कोई भी सेल डिवाइड नहीं करती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कहीं कहीं पर किसी ऑर्गन को डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती, जितना हो चुका है इतना ही सफिशियंट होता है. फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें कि जो हार्ट सेल होती हैं उनके अंदर सेल सस्पेंड रहती हैं जब तक कोई इमरजेंसी डैमेज रिपेयरिंग का काम ना आ जाए, तो क्योंकि ये सेल ओकेजनली ही बढ़ती हैं, जैसे हमें रिप्लेस करने की उनकी उन जरूरत पड़ती है. तो ये सेल क्या करती है कि इंजरी वगैरह कहीं पे होती है उनके उस काम करती हैं, अदरवाइज ये कोई भी फर्दर डिवाइड नहीं करती हैं. खैर, ये इनएक्टिव स्टेज में रहती हैं, और जब इन सेल की इनएक्टिव स्टेज रहती है, ये जो आपका सेल, ये जो G0 फेज है, ये इनएक्टिव स्टेज जब होता है तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, क्यूसेंट. क्या बोलते हैं उसको? क्यूसेंट स्टेज बोलते हैं. सेल साइकिल के इस स्टेज को क्यूसेंट स्टेज बोलते हैं. और इस टाइम जो सेल्स रहती है वो मेटाबॉलिकल क्या रहती है, एक्टिव रहती है, बट वो लॉन्गर प्रोलिफरेशन नहीं करती, मतलब वो डिवीजन नहीं करती वहां से वो. ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन द रूट नोडोल ऑफ लेगुमिनेसी. लेगुमिनेसी एक पूरी फैमिली होती है, और जो रूट के अंदर जो नोडोल रहते हैं, इस तरह से आपके एक रूट है और इसके अंदर ये छोटे छोटे नोडुल्स रहते हैं. क्या रहते हैं यहाँ पर, ये जो रोड, यहाँ नोडुल्स रहते हैं, इनके अंदर कुछ बैक्टीरिया भरे रहते हैं, इनके अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं. खैर, ये जो आपका ऑप्शन है कि इनहिबिशन ऑफ द नाइट्रोजन एक्टिविटी लाइक हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन रिमूवल, नोडुल डिफरेंशिएशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ निफजीन. इसका जो काम है एक्चुअल में वो आपका ऑप्शन रिएक्शन करके उसको अपने अंदर ले लेता है, मतलब उसका ऑक्सीजन का सिक्वेंजर होता है, यानी कि ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट हो जाता है. क्या हो जाता है? ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट हो जाता है, क्योंकि जो नाइट्रोजीनेज जो एंजाइम्स है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मदद नहीं करता है, काम नहीं करता है, यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता है नाइट्रोजिनेज विदाउट, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन. जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो ये एंजाइम्स क्या है, काम करने लगे, अदरवाइज की जो प्रोटीन डिग्रेड हो जाती है अगर ये ऑक्सीजन के साथ में रहता है. तो इन लैग हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को ख़त्म कर देता है, यानी कि उसको ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट कर देता है, एंड एरोबिक कंडीशन में ये जो एंजाइम्स है आपका ये काम करता है. कौन सी में? एनएरोबिक कंडीशन में. इसलिए इस तरह से आपके लेग हीमोग्लोबिन नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या करता है, मदद करता है. नेक्स्ट, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम, यानी कि जो ऑक्सीजन होती है, ये जो ऑक्सीजन है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर CO2 से रिलीज होती है, वाटर से होती है, कार्बोहाइड्रेट से होती है, फोटोसिंथेसिस से होती है, इनमें से कहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होती है जब फोटोसिंथेसिस होती है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका वाटर है. वाटर इज द इसका करेक्ट ऑप्शन है. अच्छा जी, देखो यहाँ पर एक रिएक्शन दिखा रखी है कि कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर मिलकर और सनलाइट की प्रेजेंस के साथ में ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन दिखा रखी है. ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, और जो वाटर रिलीज हुआ है ये कहाँ से हुआ है? ऑक्सीजन से हुआ है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये रिलीज हुआ है वाटर हाइड्रोजन से. तो ये कहाँ से रिलीज हुआ था वाटर? ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज हुआ है? वाटर से. अब देखो, ऑक्सीजन लिबरेट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम द स्पिल्टिंग, यानी कि टूटना किसका? हाइड्रोलाइसिस ऑफ द वाटर, यानी ये वाटर है जो पानी है उसका
टूट जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो एच टू ओ मोलिकुल्स के, ये सनलाइट है आपकी यहाँ से, और यहाँ से क्या हो जाता है कि फोर प्रोटॉन रिलीज होते हैं, फोर इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है ये जो रिएक्शन से। अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस में कैसे होता है।